पूजा, ये सब क्या है? पीछे देखो अपने। सब पता नहीं ये सब क्या है। अच्छा, पता नहीं ये सब क्या है? दिख नहीं रहा ये सब क्या हो रखा है? साहब आप कैसे समझ रहे हैं, सब कुछ भी नहीं है। चुप रहो। और तुम्हें ये प्रॉब्लम थी तो छुट्टी कर लेती, काम पे क्यों आई? आप तो सच बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यार तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ, जल्दी से इसको साफ करो और रूम में आओ, बात करता हूँ तुमसे। पूजा ये सब क्या है? जब तुम्हें पता था तुम्हारी तबीयत खराब है तो आई क्यों तुम? साहब आप मेरा यकीन मानिए, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही हो, और कितनी अपवित्र चीज है ये। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा वो सब कैसे हुआ, आप मेरा यकीन तो करिए प्लीज। तुम्हें ऐसे पता भी नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी मालकिन को बताता हूँ, वो तुम्हें जब नौकरी से निकालेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। नहीं साहब इतनी छोटी सी बात है, उसके आप मुझे नौकरी से क्यों निकालोगे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं सिर्फ आपके यहाँ काम करती हूँ, और अगर आपने नौकरी से निकाल दिया मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू चाहती है तुझे नौकरी से ना निकालूं तो नहीं निकालूंगी, बस तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। क्या मतलब साहब? मतलब ये कि तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा बस। माफ कीजिए साहब पर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी का क्या मतलब है, मैं कुछ गलत थोड़ी है, और नौकरी से निकलवाऊँ क्या? नहीं साहब प्लीज ऐसा मत करिए। तो बस फिर जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करती जा, वरना तुझे पता ही है मैं क्या करूँगा, शाम को सारा काम खत्म करके रेडी हो गया। तू, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया हाँ? अरे चुप रहो भैया, शर्म तो आपको आनी चाहिए इतनी नीच हरकत करते हुए। अरे यार आपने एक बार भी नहीं सोचा दीदी के साथ ऐसा करते हुए? क्या मतलब है तेरा, क्या कर रहा था मैं, क्या बकवास कर रहा है? अरे बस करो, ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जो सुबह किचन में आपने दीदी के साथ किया ना वो सब मैंने देख लिया था। ये सब क्या है? पीछे देखो अपने। साहब पता नहीं ये सब क्या है, साहब आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसको साफ करो और रूम में आओ, बात करता हूं तुमसे। था? अरे नहीं पूछा, झूठ बोल रहा है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबे ओए झूठ क्यों बोल रहा है तू? चुप रहिए आप। दीदी जो आपके पीछे लाल निशान था ना वो भैया ने ही सोच डाली थी ताकि ये आपको ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठा सके, और भैया आपको जरा भी शर्म नहीं आई दीदी के साथ ऐसा करते हुए? अरे ये बेचारी मजबूर है, मेहनत करके अपने घर का खर्चा निकालती है, पर आप इन्हीं के साथ ऐसा कर रहे थे, इनका फायदा उठाना चाह रहे थे। यार माफ कर देना यार, जाने दे इस बात को। अरे माफ कर दूं? मैंने ना ये सब भाभी को फोन करके बता दिया है, वो भी कुछ देर में आती ही होंगी, उनसे बात करना आप। दीपांशु तू पागल हो गया, तूने ये बात अपनी भाभी को बता दी? अबे यार जो बात थी आपस में बैठ के सॉल्व कर लेते ना, भाभी को क्यों बता दी? मुझे घर से निकाल देगी। घर से निकाल दे तो अच्छा है ना,
आप डिजर्व भी यही करते हो। और दीदी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत, भैया आज के बाद आपको नजर उठा के भी नहीं देखेंगे, ये मेरा वादा है। और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप काम कर लीजिए। रियली सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा। प्लीज अपनी भाभी को बोल दे कि ये सब झूठ है, प्लीज माफ कर दे यार मुझे। मैं नहीं बोलूंगा, और अब आप सीधा भाभी से ही बात करना, जो माफी मांगनी है उनसे मांगना। दीपांशु यार वो मुझे घर से निकाल दे।